नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज मेरे पास एक नई प्रोडक्ट आ गई है। हाँ जी दोस्तों, ये है इस वीज का आईपी कैमरा कह सकते हैं आप इसको। ये इसका मॉडल है CS C6N। ये एक नाइट विजन कैमरा भी है। आप इसको मतलब आप इस कैमरे की मदद से रात को भी अपना जो भी जहाँ पे भी आपने ये इंस्टॉल किया है वहाँ का व्यू देख सकते हैं। तो एक ये नाइट विजन कैमरा है। नाइट में ये जो है आपको ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा और डे के टाइम के आपको जो कैमरे में दिखेगा वो कलरफुल दिखेगा व्यू। अब मैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट नाइट विजन, और जो इसकी जो लेंथ है कैपेसिटी है वो 10 मीटर तक की है। मतलब 10 मीटर तक ये नाइट में देख सकता है। यहाँ पे इसमें जो मोटर दिए हुए हैं वो पैन एंड टिल्ट है, और ये 360 डिग्री तक मूव करता है। जो इसकी स्लीप मोड भी दी हुआ है इसके अंदर, स्लीप मोड है इसके अंदर आपकी प्राइवेसी के लिए। अगर आपको कभी भी कुछ घर में कोई काम है या कुछ है और आपको तब इसको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी मोशन होगा उसको डिटेक्ट करेगा, मोशन डिटेक्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। स्मार्ट ट्रैकिंग है, टू वे टॉक है, मतलब घर में बच्चे हैं, घर में आपने कैमरा लगाया हुआ है और आप कहीं बाहर है और कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसके ज़रिए भी बात कर सकते हैं। इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, व्यू फ्रॉम एनीवेयर, मतलब आपको नेट सिर्फ चाहिए होगा इसको देखने के लिए, तो वो तो आजकल होता ही है। वाईफाई 2.4 GHz सपोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ ये बढ़िया हो गई है, अब पहले जो कैमरे आते थे उसमें मेमोरी का जो सपोर्ट था वो बहुत ही कम था। आज के सभी कैमरे में 256 GB का स्टोरेज आप लगा सकते हैं, एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो ये एक चीज़ बढ़िया हो गई है कि जो भी आपका बैकअप रहेगा वो लंबा रहेगा। इसमें क्लाउड स्टोरेज आपको अगर करना है तो कर सकते हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, वो आप चेक कर सकते हैं इस वीज की एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। ये आप वाईफाई से भी यूज कर सकते हैं, और आपके पास लेन का पोर्ट है तो लेन से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पावर केबल लगाने के लिए पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे ये स्पीकर दिया हुआ है। इस एप्लीकेशन से जो भी बोलेंगे वो इस स्पीकर से सुनाई देगा। ये रहा इसका क्विक स्टार्ट गाइड। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या आया हुआ है। तो ये रहा हमारा पावर एडाप्टर, ये हमारा इंडियन पावर एडाप्टर है। एक USB पोर्ट दिया हुआ है, ये इसको माउंट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ से ये इस तरीके से लग जाएगा, इसको आपको सीलिंग में ड्रिलिंग करके लगाना होगा। आपको स्क्रू भी दिए हुए हैं, और ये जो है आपको सीलिंग में मार्क करने हैं तो उसके लिए ये स्टिकर आपको लगाना होगा। और ये रहा वायर दोस्तों, ये जो है हमारा USB पोर्ट है, ये इसमें हमारा लग जाएगा इस तरीके से। और ये वाली जो हमारी माइक्रो USB वाली पिन है वो हमें इसको इसमें लगानी है। और ये वायर मैंने नाप के देख लिया, ये 3 मीटर वायर इसके साथ आता है। मतलब आपका अगर इलेक्ट्रिक पॉइंट कहीं दूर भी है तो आप 3 मीटर तक ये वायर लंबा है तो उतना कर सकते हैं काम। नमस्कार दोस्तों, तो हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है और अब हम इसको कैसे कनेक्ट करना है वो देख लेंगे एक बार। अगर आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है इस प्रोडक्ट का तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो चेक कर लेना। अभी हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने ये पावर लगा दिया है और पावर कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे लगाकर कैमरे को स्टार्ट करेंगे। ये आपके सामने पहली बार हम कैमरा स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये लाइट आ रही है। तो चलिए अब इसको कॉन्फ़िगर करते हैं हमारे मॉडल के साथ। तो ऐप के अंदर से आपको यहाँ पे ऐड बटन दिया होगा, उसमें ऐड करना है। उसके अंदर आपको कैमरे के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो एक बारकोड दिया हुआ होता है कैमरे के पीछे, यहाँ पे कैमरे के पीछे यहाँ पे बारकोड है, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको, वो सीक्रेट बारकोड मेरे लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए।
और ये अपने आप मूव कर रहा है, देखिए ये घूम रहा है अपने आप, इसको घूम जाना दीजिए। उसके बाद इसको सेटअप करते हैं। घूम साला हाथी। हाँ तो बोला है साला, सो क्या है मजा आवा? ये बात तो कर, मैं जुड़े अभी लाइट जो है वो चेंज हो गई, यहाँ पे ब्लू लाइट आने लगी। अभी यहाँ पे मैं बारकोड स्कैन कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये बारकोड स्कैन कर लिया है और ये कैमरा जो है मेरे इसमें डिटेक्ट हो चुका है, और मैं इसको यहाँ से सेटअप करने जा रहा हूँ। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है मॉडम जो अपना राउटर है उससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये समझ चुका है कि डिस्टेंस मैंने बहुत भी रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा ये कनेक्ट हो रहा है, वाईफाई से बोल रही है, ये बार बार बोलेगी वाईफाई कनेक्टेड। और कुछ बोल, बोलना है तेरे को, बोलेगी कुछ कुछ बोलना। यस, मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा कैमरा आ गया है। तो अब इसको व्यू करेंगे, चेक करेंगे कि ये कौन सा व्यू दे रहा है और कैसा दिख रहा है। हेलो 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 हेलो, मतलब यहाँ से बोल रहा हूँ, इसमें आ रही है आवाज। तो अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, वहां से बोलूंगा तो यहाँ चेक करेंगे कि ये क्या आपको कह रहा है, मुझे बताना जरूर। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ये क्या कर रहा था यहाँ पे बैठा बैठा? ये कैमरा आपके साथ बातें कर रहा है क्या? अगर नहीं कर रहा है तो बहुत बुरी बात है, अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया। इसकी साउंड टेस्टिंग बढ़िया से हो गई है और इसी तरीके से ये आपके घर में भी ये काम करेगा। दोस्तों ये रहा हमारा असली वीडियो, इस कैमरे से आपको ये वाली क्वालिटी मिलेगी। एक्चुअली मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, उसमें इसके कैमरे के पास एक फंदी लगी हुई थी जो रिमूव करना रह गया था। तो ये वाली क्वालिटी आपको मिलेगी इस कैमरे की मदद से। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं कलर जो है वो बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं कलर्स। तो यहाँ पे मैं खुद देख रहा हूँ कि मुझे कैसा दिख रहा है ये वाला व्यू। अभी मैं इसको थोड़ा रोटेट करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने थोड़ा अप कर दिया है, ये मैंने डाउन किया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ से ये लेफ्ट कर लेता हूँ। तो बस जैसे आप देख रहे हैं मुझे इस तरीके से आपको दिखेगा इस कैमरे में। और एक क्विक चेकअप कर लेते हैं इसमें कि मानो इसको नाइट विजन मोड है वो कैसा चलता है। तो मैं यहाँ से लाइट्स ऑफ कर रहा हूँ और लाइट्स ऑफ हो चुकी है, यहाँ पे वो कन्वर्ट होगा। और देखिए ये रहा हमारा नाइट विजन। नाइट विजन में भी आपको क्लियरली यहाँ पे सब दिख रहा है। मैंने कुछ भी यहाँ से ले लिया है, इसको रख दिया, मैंने टेबल स्टैंड उठाया, ये यहाँ पे गिर गया, सब आपको दिख जाएगा। मतलब तो इसकी नाइट विजन क्वालिटी भी अच्छी है, हालांकि आंखों में मत देखना वरना घबरा जाओगे। तो वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइट्स। हाँ जी, ये वाला मोड अच्छा है भाई। कुछ भी करो, लाइफ में कलर्स होने चाहिए। कलर्स के अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ ही सही, तो ऐसा ही दिखेगा आपको बिना कलरों के। तो बस आप यही बताना चाहिए इस वीडियो में। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा ड्रिलिंग के बारे में, इसको कैसे फिट करना है स्केलिंग में, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।